आपके पास सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन है और थ्री फिंगर से आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका है और बिल्कुल आसान तरीके से आप थ्री फिंगर से इन थ्री फिंगर से आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा विदाउट एप्लीकेशन के। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करो, इसमें आपकी नई वीडियो लगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने के लिए सैमसंग के स्मार्टफोन में एक सेटिंग करनी होती है, कोई भी स्मार्टफोन हो। जैसे कि मेरे पास है सैमसंग का F23 स्मार्टफोन, जैसे 5G है ये और सैमसंग गैलेक्सी है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ढूंढनी है, ये देख सकते हैं मोबाइल की सेटिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपको ऊपर से एक सर्च बार दिखाई देता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डालेंगे असिस्टेंट, ठीक है, या फिर असिस्टेंट नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आपको अपने एक्सेसिबिलिटी ढूंढनी होगी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी आपको यहाँ पे ढूंढनी होगी, मिल जाएगी आसानी से, ये देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे एक्सेसिबिलिटी पे। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। एडवांस सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको ऊपर करना है, देखना है कि वो सेटिंग कहाँ है, तो एक्सेसिबिलिटी बटन इस तरीके से मिलेंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही काम करना है, यहाँ से आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी में नहीं, आप यहाँ असिस्टेंट डालिए, केवल असिस्टेंट मेन्यू, ठीक है। असिस्टेंट मैंने इंट्रोडक्स यहाँ पे लिखा है इंट्रैक्शन एंड डेसेंटिटी, ठीक है। तो जिसमें आप असिस्टेंट मेन्यू में जाएंगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ एक्सेसिबिलिटी में, सॉरी, तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा असिस्टेंट मेन्यू, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये कहेगा भैया हमें अलाउ कर दीजिए, तो मैं अलाउ कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट इस तरीके हो गया है। अगर आप फुल चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट ये फुल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, जितना आप लेना चाहते हैं उतना यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इतना ही चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से कीजिए, नहीं तो आप फुल करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वैसा ही सेम कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो इस तरीके से जिस पर आप क्लिक करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसको यहाँ पे किसी चीज़ को आप इस तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ और ये इरेज पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट को हटा दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करके ये स्क्रीन शॉट शेयर भी कर सकते हैं और सेव भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सैमसंग के स्मार्टफोन में थ्री फिंगर के स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सेटिंग नहीं होती है, एप्लीकेशन से होती है। लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए, क्यों, क्या फ़ायदा आया आपका, घाटा ही होगा उससे, ठीक है। तो आप ये वाला फीचर यूज़ कीजिए। अगर कोई अपडेट आएगा थ्री फिंगर वाला तो मैं आपको सबसे पहले दूंगा इस वीडियो, मतलब अगली वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। जय हिंद।